आइए बेटे स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर से। सिंपल सा कंसेप्ट है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले बेटा हम हमारा जो वर्क डन है, वर्क डन क्या होगा हमारे इस सिचुएशंस में, और वर्क डन को बेटे हम कैसे वर्कआउट करेंगे, यूनिट्स क्या हैं इसके, वेदर इट इज वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, ये सारा देखने के बाद वी विल बी डायरेक्टली स्विचिंग ओवर टू द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन एंड देन वर्क एनर्जी थ्योरम साथ ही कंप्लीट कर लेते हैं। सो आइए बेटे वर्क डन की बात करें। बेटा जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करोगे, इफ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट गेट्स चेंज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, वी से दैट वर्क हैज बीन डन। बेटा और मोर साइंटिफिकली स्पीकिंग वी कैन से दैट बेटा वर्क इज सेड टू बी डन इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, बेटा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स चेंजेस। बेटे आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने से जिस पॉइंट पे आपने फोर्स अप्लाई किया अगर वो पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, देन वी से दैट वर्क इज डन। बेटे इन मोर सिंपल वे आप एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बेटे इमेजिन कर सकते हो, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपने एक ऑब्जेक्ट बेटे जो है ये इमेजिन कर लिया, मास इसका से स्मॉल m है एंड इट इज लाइंग एट पॉइंट ए। नो व्हाट वी डू, वी अप्लाई, इट इज एट रेस्ट बेटे इनिशियली, सपोज वी अप्लाई सम फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन दिस डायरेक्शन दैट इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल, और इस फोर्स की वजह से अगर आपका ऑब्जेक्ट बेटा शिफ्ट होकर यहां पे पहुंच जाता है, बी पॉइंट पे रीच कर गया है और डिस्टेंस कवर्ड जो है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देन वी से दैट वर्क जो है दैट हैज बीन डन। बेटे एक छोटी सी बात और है, अगर आप यहां पे फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो, इफ द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट इंडिकेटेड और मूव नहीं कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट, देन वी विल से दैट कि वर्क नहीं हुआ। आप जितनी भी एनर्जी दे रहे हो ऑब्जेक्ट को सप्लाई कर रहे हो, वो सारी की सारी किस फॉर्म में बेटे निकली जा रही है, देन इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मूव नहीं ना ये आपका ऑब्जेक्ट, वो इरेगुलरिटीज आपकी ब्रेक ही नहीं हुई, इंटरलॉकिंग ब्रेक नहीं हुई, और आपका ऑब्जेक्ट जो है उसने सारी की सारी आपकी अप्लाइड एनर्जी को उस स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और इन द नटशेल वी विल से दैट कि नो वर्क इज डन। अब ये जरूरी भी नहीं है कि आप फोर्स अप्लाई करोगे हॉरिजॉन्टल के अलोंग और आपका ऑब्जेक्ट मूव करके बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, इट इज नॉट द केस ऑलवेज। कई बार हम बेटे फोर्स जो है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई नहीं करते, हम किसी एंगल पे अगर फोर्स अप्लाई कर दें, इमेजिन करिएगा वंस अगेन सपोज दैट इट इज द स्ट्रेट लाइन एंड हियर वी हैव सम ऑब्जेक्ट लाइंग एट पॉइंट ए, और आपने इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स एफ अप्लाई किया, एंड दिस टाइम दिस फोर्स अप्लाइड इज नॉट अलोंग द हॉरिजॉन्टल बट इट इज मेकिंग से एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बेटा, एंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स आपका जो ऑब्जेक्ट है इट इज बेटे गेटिंग शिफ्टेड अप टू पॉइंट बी आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस एस अलोंग द हॉरिजॉन्टल। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, अपनी अप्लाइड फोर्स को बेटे दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर लेते हो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, और आपका जो ये वाला कंपोनेंट होगा इट विल बी एफ साइन थीटा कंपोनेंट, एंड डियर चिल्ड्रन ये वाला कंपोनेंट आपका एफ कॉस थीटा कंपोनेंट आपको मिल जाएगा। प्रेजेंटली आपका जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर्ड है
उस डायरेक्शन में ये वाला कंपोनेंट आपका फोर्स का लग रहा है, तो वी विल से दैट वर्क डन आपके पास बेटे फिर बन गया कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस कवर्ड एज सच। आप इनको टर्म्स को राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, इट विल बी एफ एस कॉस ऑफ एंगल थीटा बेटा। फ्यू डेज बैक आपको याद होगा हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बात की थी, एंड एट दैट टाइम वी वर सेइंग दैट इट इज नथिंग बट इट इज एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। और डॉट प्रोडक्ट को आपको याद है हमने स्केलर प्रोडक्ट भी बेटे बोला था, सो दैट इज वाई वी विल से दैट वर्क डन जो है बेटा, वर्क डन इज नॉट ए वेक्टर बट ए स्केलर क्वांटिटी आपको जो है मिल जाती है वर्क डन। अब कई बार आपको वो बेटा जो वर्क डन के कंपोनेंट्स वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं, तो कंपोनेंट्स में अगर हम डिस्कशन करना चाहें तो वो भी हम प्रेजेंटली बेटे कर सकते हैं, कोई ज्यादा लेंथी या मुश्किल काम नहीं, हार्डली इट विल टेक ए मिनट। अगर आपका फोर्स अप्लाइड जो है इसको मैं ऐसे कंपोनेंट्स में बेटा लिख दूं एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप, और आपका जो डिस्टेंस कवर्ड है लेट इट बी एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप ही लिखते हैं हम बेटा, है ना बेटे। अब डॉट प्रोडक्ट जब आप लोगे वेक्टर इस केस में इट विल बी इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर आ जाएगा, ये दोनों वेक्टर से आपके इट विल बी एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप, राइट बेटा। इसका डॉट प्रोडक्ट किससे हमारा आ गया एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। आपको याद होगा आई डॉट आई इज वन जे डॉट जे इज वन के डॉट के इज वन एंड सो इज द केस विद द वर्क ऑल्सो बेटा। सो ये आपके पास आ जाएगा बेटा एक्स एफ एक्स वाई एफ वाई जेड एफ जेड, कुछ इस तरीके से आपके पास वर्क डन आपको बेटा मिल जाएगा। सो इन दिस वे बेटे आप अपना जो है वर्क डन का कंसेप्ट बेटा इसको डिस्कस कर सकते हो, निकाल सकते हो, और आपका वर्क डन आपको बेटा मिल जाएगा, राइट बेटा। चलें जी आगे। देन बेटे इस केस में हमारे पास बेटे यूनिट्स की बात आ जाती है, वर्क डन को आप कौन से यूनिट्स में मेजर कर सकते हो बेटा। यूनिट्स वर्क डन के लिए एसआई सिस्टम की अगर बात करें, इमेजिन कर लीजिए आपका फोर्स जो है एसआई सिस्टम में बेटा ये न्यूटन में होगा और डिस्टेंस कवर्ड विल बी इन मीटर्स एंड ऑब्वियसली वर्क डन बेटे आपका जो है इट विल बी इन जूल्स बेटा। बी कैन से दैट वर्क डन इज सेट टू बी वन जूल इफ ए फोर्स ऑफ वन न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट बाय वन मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स बेटा। लेट मी रिपीट एंड रीराइट रादर बेटा, वर्क डन इज सेड टू बी वन जूल इफ ए फोर्स ऑफ वन न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट बाई वन मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बेटे। जिस भी डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है उस डायरेक्शन में अगर वन मीटर आपका ऑब्जेक्ट टिल्ट कर जाता है, शिफ्ट हो जाता है अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स, देन यू विल से दैट आपका वर्क डन बेटे वन जूल के बराबर है। और अगर आप बात करो सीजीएस सिस्टम की बेटा, सीजीएस सिस्टम में आपका वर्क डन बेटे जूल्स में नहीं होगा, इट विल बी इन अर्ग्स बेटा। सी जी एस सिस्टम में आपका फोर्स अगर आप बेटे डाइन में ले लेते हो, डिस्टेंस कवर्ड आप सेंटीमीटर्स में ले लेते हो, देन वर्क डन आपका जो है इट विल बी इन अर्ग्स बेटा। आप इजीली कह सकते हैं बेटा कि वर्क डन जो है इट इज वन अर्ग इफ ए फोर्स ऑफ वन डाइन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट
by 1 centimeter in the direction of the applied force बेटा। यहां आपने 1 joule लिखा है, वहां 1 erg लिख दोगे और यहां 1 dyne आ जाएगा, बाकी इसमें कुछ भी नहीं बेटा। डेफिनेशन को याद करने की जरूरत नहीं होती, आप यहां से इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिख सकते हो। सो अगेन रिपीट कर रहा हूं बेटा मैं, किसी भी केस में 1 erg वर्क डन आप तब कहोगे अगर 1 dyne का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 centimeter डिस्प्लेस कर देता है, देन वी विल से दैट वर्क डन इज 1 erg बेटे। कई बार आपको जूल्स और अर्ग्स के बीच में बेटे रिलेशनशिप की बात भी एग्जामिनर करते हैं, जैसे आपने न्यूटन और डाइन में किया था, बिल्कुल सेम पैटर्न पे रिलेशनशिप बिटवीन बेटा जूल्स एंड अर्ग बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन जूल्स एंड अर्ग्स। लेट अस कंसेंट्रेट अपॉन दिस बेटा, 1 joule आपके पास जो है 1 newton into 1 meter आपने ऑलरेडी बोल रखा है, और 1 newton यू नो वेल दैट बेटा इसमें 1 newton आपका 10^5 dynes के बराबर होता है और 1 meter आपका 100 centimeters। सिंपल केस है, कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, आप दोनों वैल्यूज को इजीली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको रिलेशनशिप मिल जाएगा इसमें और इसमें। 1 joule दिस इज 10^5 dynes मल्टीप्लाइड बाई 1 meter की जगह पे आपने 100 centimeters लिख दिया। सो ये आपके पास बेटे देखिए 1 joule इज इक्वल टू 10^7 dyne इंटू सेंटीमीटर, आप यहाँ पे देख सकते हो इट इज इक्वल टू अर्ग बेटा। सो 1 joule आपका 10^7 ergs के बराबर आ जाएगा। ये बात आपने कहीं डायमेंशनल एनालिसिस में बात प्रूव भी की हुई है, वहां पे आपने जब कन्वर्ट किया था एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, आपने वहां पे ये जरूर करके देखा होगा। बाकी इसमें बेटे कोई भी ज्यादा लेंथी काम नहीं बेटा, छोटी सी बात करेंगे बेटे। साथ ही साथ हमारे पास कंसेप्ट काइनेटिक एनर्जी का रिलेटेड है, इसी के साथ आइए थोड़ा काइनेटिक एनर्जी के साथ भी डील करें, और फिर आपको एक बड़ा इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को कैसे आप रिलेट कर पाओगे, वहां पे कई छोटा सा न्यूमेरिकल पूछते हैं, 2 cases में पूछा भी गया है ऑलरेडी, आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देख सकते हो, आपको मिल जाएगा, अदरवाइज मैं करवा भी दूंगा आपको बेटा। आइए बेटे बात करें एनर्जी की, रादर काइनेटिक एनर्जी की, एनर्जी की और बहुत सी टाइप्स हैं, हम सारी तो नहीं करने वाले यहाँ पे प्रेजेंटली। सो आइए काइनेटिक एनर्जी की बात करें, इन सिंपल वर्ड्स बेटे जो एनर्जी है इट इज द ability of a body to do work, to perform some work, और जब आप kinetic energy की बात करते हो it is the energy possessed by any particular object by virtue of its motion, कोई भी body अगर move कर रही है तो उसकी movement की वजह से जो उसमें energy होगी that we may be calling it as kinetic energy, so kinetic energy जो है बेटा it is defined as the energy possessed by an object by virtue of its motion, movement की वजह से जो energy होगी उसको आप बेटे kinetic energy बोल सकते हो। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस आप इमेजिन कर सकते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक इमेजिन कर लीजिए टॉय कार है, इट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू, मास इसका एम है, ए पॉइंट पे आपने इसको देखा, कोई बच्चा खेल रहा है इसके साथ, उसने इसको ऐसे ऐसे फोर्स अप्लाई कर दिया, राइट,
जब इस पे फोर्स अप्लाई की जाएगी तो फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी में चेंज नोटिस किया जा सकता है। इमेजिन कर लीजिए इसकी वेलोसिटी v के बराबर हो गई जो इनिशियली स्मॉल u के बराबर थी, और अगर ये v के बराबर है इट मीन्स की मोशन मस्ट बी एक्सेलरेटेड बेटा, है ना। अब वेलोसिटी बढ़ गई है तो मोशन एक्सेलरेटेड मोशन ही कहलाएगा, और एक्सेलरेशन को आप ये कह सकते हैं, टाइम टेकन t बोल सकते हो आप बेटा। और a से लेकर b तक दिस इज कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट मे बी टर्म्ड एज बेटा s, राइट। अब वर्क डन बाय दिस फोर्स अगर हम कैलकुलेट कर लें दैट विल बी इक्वल टू बेटे एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर या एफ एस कॉस जीरो या सिंपली एफ एस बेटा। जिस डायरेक्शन में फोर्स है डिस्टेंस कवर्ड उसी डायरेक्शन में है, दैट इज वाई जीरो, कॉस जीरो यूनिटी होता है, दैट इज वाई एफ एस। अब इमेजिन करिए अगर आपका जो सरफेस है टायर्स और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन अगर बड़ा ही कम है, हम कहेंगे कि हमारा जो वर्क डन है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। अगर हम लॉस ऑफ एनर्जी बच्चों इग्नोर कर दें कि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा तो वर्क डन आपका काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा बेटा। फ्रिक्शनल लॉसेस इग्नोर कर सकते हैं ना बेटा, रोलिंग फ्रिक्शन बड़ी कम होती है, और अगर आप सरफेस को एक्स्ट्रा स्मूथ बनाए हुए हैं तो लॉस माइनर सही होगा, और उस केस में आपका वर्क डन ऑलमोस्ट एनर्जी के बराबर हो जाएगा, और आप एनर्जी को एफ इंटू एस लिख सकते हो बेटा। और आपका एफ जो है इट इज इक्वल टू एम इंटू ए, एस को आप एस एच रहने दीजिए। एंड यू नो दैट बेटा हमारा जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as के बराबर हुआ करता है। यहां से as निकाल लेता हूं बेटे मैं, और फर्दर मोर अगर आपका ऑब्जेक्ट इनिशियली हम चलिए पहले as की बात कर लें, इट इज 1 बाई 2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बेटा। अगर आपका टॉय कार इनिशियली रेस्ट पे था, स्मॉल u जीरो है अगर, then you will say that बेटे आपका जो as है it will be equal to बेटा 1 by 2 v square आ जाएगा बेटे simply। अगर आपका toy car initially यहाँ पे rest पे है, बच्चा खेलने लगा है, उसने इसको initially force दिया, kick किया और आपका object move करना start कर देता है, तो यहाँ पे as की मैं value बेटे put कर देता हूँ, substitute कर देता हूँ ये वाली, राइट। आप इक्वेशन नंबर 1-2 बोल के सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। सो एनर्जी फिर आपके पास बेटे क्या बन गई, एम देखो ऐसे ही रह गया, ए एस की जगह पे आपके पास आ गया वी स्क्वायर बाई 2 बेटा, और इट इज नथिंग बट हाफ एम वी स्क्वायर बेटे। आप इस तरीके से इसको फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हो बेटा। एक बेटे सिंपल सा मेथड और भी है कैलकुलस मेथड से, आप जैसे किया करते हो, आई कैन इवन शो यू दैट आल्सो बेटा। आप जानते हैं डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन आपका जो होगा एफ डी एस के बराबर होता है, एफ आपका जो है एम ए डी एस हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है जी। आपका ए जो है डी वी बाई डी टी पुत्र होता है ना, इसको आप ऐसे कर लोगे डी डब्ल्यू जो है आपका इट विल बी एम डी एस बाई डी टी इन टू डी वी कर लें, कोई खराबी तो नहीं इसमें, कर सकते हैं ना। और डी एस बाई डी टी आपका वी के बराबर होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम वी डी वी, राइट। ये स्मॉल वर्क डन है, अगर एनर्जी के लॉसेज इग्नोर कर दें इट विल बी इक्वल टू डी ई, इट इज एम वी डी वी आ गया। इंटीग्रेट करना हम जानते हैं ना बेटा, इंटीग्रेट कर दीजिए इंटीग्रल डी ई इंटीग्रल एम वी डी वी जीरो टू वी
जीरो टू ई कर दें, है ना बेटा, डीई का इंटीग्रल आ गया ई, लिमिट जीरो टू ई, एम आपका कांस्टेंट है, और ये आपको वी स्क्वायर अपॉन टू मिल जाएगा, जीरो टू वी लिमिट्स पुट कर दीजिए, और ये आपके पास बन गया ई इज हाफ एम वी स्क्वायर। जो भी तरीका अच्छा लगे आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात कोई है ही नहीं इसमें, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, ठीक लगे, सौखा लगे, जो आप कर लीजिए। चलें जी आगे। अब नमन, छोटी सी टर्म है मोमेंटम। मोमेंटम आपने बड़ी डिटेल में पढ़ रखा है, तो मोमेंटम की अगर बात करके देखें, जैकलिन बेटे मोमेंटम को कैसे डिफाइन करेंगे? मोमेंटम को डिफाइन कैसे करेंगे? आप अदिति हो, कैसे करेंगे बेटा? मास इनटू वेलोसिटी, गुड। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसका बेटा? नमन, मोमेंटम। हाँ जी, हाँ हाँ बोलो दिव्या। मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, सुनिए ध्यान से। मोमेंटम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने ठीक बोला है, आप उसका मैथमेटिकल फॉर्म बोल रहे हो सारी बच्चे। सो मैथमेटिकली आपका मोमेंटम जो है, पहली बात तो ये वेक्टर होता है, ये एम और वी के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। यूनिट्स में आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिख सकते हो, कोई भी इसमें मुश्किल वाली बात नहीं। अब बेटे जो एग्जामिनर आपको इसके साथ रिलेट करके चीज पूछते हैं, दैट इज मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करके वो पूछते हैं। आप देख सकते हो रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बेटा, राइट जी? जरा ध्यान से देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी वी हैव जस्ट सेड टू बी इक्वल टू 1/2 एम बी स्क्वायर कहा है हमने बेटा अभी अभी, राइट? राइट साइड पे अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं और मास से ही डिवाइड कर दूं ऐसे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं हो सकता है ना ऐसे? सो काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 एम की पावर 2 बी की पावर 2 डिवाइडेड बाई एम कर दें, राइट? थोड़ा सा और देखिएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, लिखा जा सकता है ना? लेकिन m into v हमारा p के बराबर है, सो इट विल बी इक्वल टू 1/2 p स्क्वायर बाई m कर दें। या आप कुछ ऐसे भी कह सकते हो दैट e काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर अपॉन 2m। इट मे बी रिटन लाइक दिस, और कई बार आपको इस रिलेशनशिप की जरूरत भी पड़ती है, पी दिस इज इक्वल टू 2mE ऑल अंडर द रूट, आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट? कोई चीज मुश्किल तो नहीं लग रही बेटा, आसान? ओके बेटा, यहां पे वो आपको क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि मोमेंटम आपका 50% इंक्रीज हो गया किसी बॉडी का, कैलकुलेट द कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज इंक्रीज या चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम 50% इंक्रीज हो गया, काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज इंक्रीज निकालिए, या
काइनेटिक एनर्जी 50% इंक्रीज कर दी, परसेंटेज इंक्रीज इन द मोमेंटम निकालिए। निकाल लोगे? बोलो बच्चों। इधर अंजलि, ख्याति, राघव, रमन, दलजीत, दिवलूर, दिया, गुरसिमरन एंड आज बच्चे थोड़े लग रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए आज। शान जी बेटे आप कर लोगे परसेंटेज चेंज के मैं कर दूं, बताइए क्या कहते हो? दिया, अरे हाँ जी दिया बेटे अपना माइक खोलो फिर बोलो। सर ट्राई कर लेंगे। अच्छा ट्राई करेंगे पहले, दैट शुड बी द स्पिरिट, वेरी नाइस। आप करोगे ट्राई पहले कि मैं कर दूं एक? बताइए। इट विल हार्डली टेक ए मिनट और टू, कर दें एक। चलिए लिख लीजिए हेडिंग, न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट लिख लो। एक मैं कर देता हूं, एक आप कर लेना बेटी, घर पे जाके ट्राई कर लेना। द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाई 50%। द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाई 50%। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन। राइट जी? हाँ जी नमन हो गया बच्चों, नोट हो गया क्वेश्चन, क्या कहते हो? समझिएगा जरा, मोमेंटम आपका देखो इनिशियल पी है, अब उन्होंने कहा 50% इंक्रीज कर दिया, यही कहा है ना, तो न्यू मोमेंटम पी डैश कितना होगा? पी प्लस 50% ऑफ पी हो जाएगा। चेक करिए जरा, ऐसा हो जाएगा ना। तो डियर चिल्ड्रन पी डैश विल बी पी प्लस 50/100 ऑफ पी कर दूं मैं, कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं लग रही। तो पी डैश विल बी पी प्लस 1/2 ऑफ पी कर दें, पी डैश 3/2 ऑफ पी कर दें बेटा। चेक करिए जरा अदिति, इज इट पॉसिबल? तो अब आप देखिए, नया मोमेंटम आपने निकाल लिया, आपके पास इनिशियल वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की ई थी, अब आपको ई डैश चाहिए है। ई डैश बेटा डियर चिल्ड्रन इट विल बी पी डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m कर दें, कोई खराबी तो नहीं इसमें। पी डैश आपके पास है निकला हुआ ऑलरेडी, पुट कर देते हैं इसमें। इट विल बी 3/2 टाइम्स पी, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m कर दें, है ना। ये जो 3/2 आप देख रहे हो ना, इसको अलग ही रखो, मिक्स मत करो इसके साथ। आई मीन टू से दैट ई डैश विल बी 3/2 का स्क्वायर अलग से, पी स्क्वायर अपॉन 2m अलग से, एंड इट इज 9/4 टाइम्स पी स्क्वायर बाय 2m कर दें। चेक करिए जी जरा, राइट ये कहीं देखा देखा लगता है आपको? ये वट इज दिस इक्वल टू? पी स्क्वायर अपॉन 2m। नमन किसके बराबर है ये? काइनेटिक एनर्जी ई लिखा तो था अभी हमने, सो ई डैश इट विल बी 9/4 टाइम्स ई लिख दूं मैं, क्या कहते हो बच्चों? है काइनेटिक एनर्जी हमारी पी स्क्वायर अपॉन 2m नहीं थी इनिशियली, तो इसकी जगह वो लिख दिया और कुछ भी नहीं किया हमने। समझ आई बात की नहीं? आ गई। अब यहां पे थोड़ा सा ना मैथमेटिकली बड़े ध्यान से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको परसेंटेज चेंज निकालनी है, तो जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे कर लोगे तो आपका टाइम और सेक्स दोनों सेव हो जाएंगे, नहीं तो कर तो आप फिर भी लोगे, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, लेंथी हो जाता है। ई को इधर ले आइए, ई डैश अपॉन ई 9/4 आ गया, दोनों में से -1 कर दो राइट और लेफ्ट साइड पे। ई डैश
बाई ई माइनस वन, 9/4 माइनस वन आ गया, ये क्या बन गया ई डैश माइनस ई अपॉन ई, ये बन गया 9-4/4, चेक करिएगा ये चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी आ गया। लेट मी राइट ओवर हियर, ये आपके पास बच्चों आ गया चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस इज 5/4, दोनों तरफ में 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई विल गेट परसेंटेज चेंज, राइट। सो आपके पास परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 5/4 1.25 होता है, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया 125% आ गया जी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो फॉर विद द परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी व्हेन द चेंज इन द मोमेंटम इज प्रोवाइडेड टू यू। और अगर एनर्जी का चेंज दिया हो तो दूसरा फार्मूला लगेगा पी इज इक्वल टू 2ME रूट वाला, उसमें रूट में करना है जो भी करना आपको, इसीलिए दोनों फॉर्मूलाज आपको लिखवाए, राइट। देखो सोचो समझो परखो और बताओ कोई डाउट है तो मुझे, सो दैट वी कैन हैव दैट डिस्कस्ड आल्सो। इसको एक बार घर पे जाके जरूर करके देखना, ठीक है, स्पेशली इस स्टेप के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकली आपको संभल के चलना पड़ेगा, अदरवाइज परसेंटेज चेंज है, निकाल आप जैसे मर्जी लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज पॉसिबली द शॉर्टकट वे, राइट जी। वर्क एनर्जी थ्योरम, छोटी सी थ्योरम है, आइए इसको भी देखें, सोचें, इसको कंप्लीट करें रादर, हेडिंग डाल दीजिए डियर चिल्ड्रन वर्क एनर्जी थ्योरम, बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, स्टेटमेंट याद है आप लोगों को, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, नाइन्थ में पढ़ा करते थे हम बड़ी डिटेल में, ये वही है बेटा। इट स्टेट्स दैट वर्क डन is equal to the change in kinetic energy, या आप ऐसे कह सकते हो it is 1/2 mv² - 1/2 mu², ये बेटे आपके work energy theorem का statement part है, right। बड़ा आसान simple और सीधी सीधी बातें, अगेन वही टॉय कार, वही उसका मास, अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं हमने मान ली, बाकी सारा ही सेम है बेटा, ए पॉइंट पे है, इसको बच्चे ने धक्का लगा दिया, फोर्स अप्लाई कर दी, ये टॉय कार यहां पहुंच गई, इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, मोशन एक्सेलरेटेड हो गया, बी पॉइंट तक एस के बराबर का डिस्टेंस कवर्ड आ गया, और डियर चिल्ड्रन वर्क डन आपका एफ एस के बराबर होता है, यू नो इट वेल, इट विल बी इक्वल टू एम इनटू ए इनटू एस बेटा, और आप जानते हो v² - u² 2as होता है, एंड ए एस विल बी 1/2 v² - u² डायरेक्टली पुट कर दीजिए, बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी वाला रिलेशनशिप, इसमें u जीरो नहीं करना, बाकी सारा ही सेम, कोई चेंज ही नहीं है इसमें, सो इसमें पुट कर दीजिए, वर्क डन आपका आ गया जी, एम को आपने कुछ भी नहीं कहा, ए एस की जगह पर 1/2 v² - u² आ गया आपका, एंड दिस इज 1/2 mv² 1/2 mu². देखो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, फिजिक्स बहुत ही आसान ही है कि नहीं, कुछ बोल नहीं रहे आप लोग हैं, तो ठीक है, चलो थैंक यू बेटा, बेल हो गया, वी विल बी गोइंग फॉर द नेक्स्ट पीरियड, कल आगे चलते हैं, कोशिश करूंगा मैं सैटरडे तक आपका ये कंप्लीट हो जाए चैप्टर बेटा, देन वी विल रिवाइज